165 से, तो इसका आंसर राइज में आएगा, ये राइज में माइनस करके लिखा, इतना माइनस करके आता है 0.04, समझ गए। हाँ जी सर, अब अगले केस में पीछे वाली रीडिंग कौन सी बनेगी, ये वाली 1.010, ध्यान से आगे वाली रीडिंग कौन सी बनेगी, 1.075। अब आगे वाली रीडिंग 1.075 बड़ी है पीछे वाली रीडिंग से, तो इसका आंसर फॉल में आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, जो आंसर आ गया 0.065 वो फॉल में लिखा, समझ गए। ठीक है सर। और लास्ट में देखो, ये पीछे वाली रीडिंग कौन सी है 1.075, आगे वाली कौन सी है 1.225, बड़ी वन कौन सी है पॉइंट आगे टू टू फाइव वाली, तो आगे वाली रीडिंग जो कौन सी है वो जब हम माइनस करके बढ़िया सर। फॉल फॉल में लिखेंगे, तो इन दोनों को माइनस करके फॉल में लिख दिया यहाँ पे, इसका राइज खाली, समझ गए। हाँ जी सर, तो अब हमारे पास राइज का खाना भी भर गया, फॉल का खाना भी भर गया, ठीक है। ठीक है सर। अब निकालने हैं आरएल, लास्ट खाना भरना है, वो कैसे भरेंगे। पहला आरएल हमें पता है 87.125, हाँ जी सर, अब याद रखना फॉल वाले माइनस करी जानी है और राइज वाले जोड़ी जानी है, प्लस करी जानी है, कैसे प्लस करेंगे। करिए। ठीक अब है सर, देखो ठीक है सर। 87.125, अब यहाँ पे कितना है 0.120, ये फॉल में है तो इसको माइनस करेंगे, मतलब 87.125 में से 0.120 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 87.005, समझ के यहाँ लिख देंगे। 87.005 अब 87.005 में से अगला फिर फॉल में है, 87.005 में से 0.020 माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया 86.985, क्लियर है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर। अब ये जो 86.985 आया, इसमें से अगला फिर फॉल में है, तो अगली 0.045 माइनस कर देंगे, जो आंसर आ गया यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया 86.940, ठीक है। ठीक अब अगली है सर, रीडिंग देखो, अगली राइज में है तो राइज वाली प्लस होती है, ठीक86.940 में 0.09 राइज है तो प्लस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ लिख देंगे, कितनी आ गई 87.030। है। 7.30 अब 87.030 आ गया, अगली फिर फॉल में है तो इसमें से ये वाली रीडिंग माइनस कर देंगे 0.370, कितनी वैल्यू आ गई 86.660। 86.60 अब 86.660 के बाद वाली वैल्यू ये राइज में है 0.04, तो इसमें जुड़ जाएगा 0.04, ये कितना प्लस जोड़ के हो आया जाएगा 86.700। 86.70। अगली फिर फॉल में है तो 86.700 माइनस 0.065, आंसर आया 86.635, ठीक है। और लास्ट वाली फिर फॉल में है, 86.635 माइनस 0.150, आंसर आया 86.485, ठीक है। इस तरीके से राइज सारे जोड़ी जाने हैं, फॉल सारे माइनस करी जाने हैं, क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिव मतलब जो आंसर आ रहा है उसमें ही फॉल आ रहा है तो माइनस कर दो, और उसमें ही राइज आ रहा है तो जोड़ते जाओ, आंसर में ही हमने प्लस माइनस करी जाना है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। इस तरीके से हमने सारे आरएल निकाल लेने हैं ये, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये जो आरएल निकले हैं, जो इस मेथड से निकले हैं और जो पिछले मेथड से निकले थे, क्योंकि रकम सेम है, क्वेश्चन सेम है, बराबर आरएल आए हैं। देखो अगर आप देखोगे, ए स्टेशन का तो गिवन ही था 87.125, बी का पिछले केस में कितना आया था 87.005, इस केस में भी बी का कितना आया 87.005, पिछले केस में कोई और मर्जी देख लो, डी का देखो कितना आया था 86.940, इस केस में देखो तो डी का कितना आया 86.940, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो अब रिमार्क्स में क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे ए स्टेशन का आरएल गिवन है, और जिस स्टेशन पे बैक साइड और फोर साइड दोनों रीडिंग होती है उसे बोलते हैं चेंज पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, ई स्टेशन के सामने, ई के सामने हमने लिखा सीपी। उसके बाद जी स्टेशन, जी स्टेशन में भी दोनों रीडिंग होती है बैक साइड और फोर साइड, तो यहाँ पे भी सीपी लिखा, और लास्ट जो हमने आरएल निकाल लिया वो कितना आया आरएल ऑफ आई 86.485 मीटर, समझ गए। ओके सर। अब इसका भी चेक होता है, जैसे उसका चेक था वैसे ही इसका चेक है, इसका चेक क्या होता है, जितनी भी बी एस की रीडिंग है सारी जोड़ लो, उसको बोलते हैं समीशन बी एस, कितनी रीडिंग्स है 0.985, 0.795, 1.010, इन तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ के कितना आया समीशन बी एस, कितना आया 2.790, ऐसे ही जितनी एफ एस की रीडिंग है सारी जोड़ लो, तीन रीडिंग्स ही है 1.080, 1.125, 1.225, तीनों को जोड़ लो, कितना आया 3.430। तो 3.430 अब इसका चेक क्या है, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, मतलब सिग्मा बी एस कितना आया जोड़ के 2.790 माइनस सिग्मा एफ एस कितना जोड़ के आया 3.430, दोनों को माइनस करें इसका आंसर आता है दो माइनस सिक्स माइनस पॉइंट ओके फोर ठीक
माइनस 0.64, ये बराबर किसके होना चाहिए, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लास्ट आरएल कितना है यहाँ 86.485, फर्स्ट आरएल कितना था 87.125, इन दोनों को माइनस करें तो ये भी माइनस 0.64 के बराबर ही आता है, समझ गए। इसमें एक और चेक लगता है, ये जो बराबर आया ये और किसके बराबर होता है, अगर हम सारे राइज जोड़ लें, इसमें कितने राइज हैं, दो ही राइज हैं 0.09 और 0.04, इन दोनों को जोड़ लें कितना आता है सिग्मा राइज, समीशन राइज 0.130। ऐसे ही अगर हम सारे फॉल जोड़ लें, फॉल बहुत है, 0.120, 0.020, 0.045, 0.370, 0.065, 0.150, इन सबको जोड़ लें तो समीशन फॉल बनता है 0.770। अगर हम सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल करें तो 0.130 माइनस 0.770, तो इसका भी आंसर जितना आता है पहले आंसरों के बराबर आना चाहिए, ये भी आता है माइनस 0.64। तो सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस शुड बी इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल शुड बी इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, अगर ये तीनों रकमें बराबर आ गई तो आपका आंसर ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बोलो बोलो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। गगनदीप, लवप्रीत, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो, पूछो। कन्वर राज, हरमनदीप, सर चेक कैसे निकाला है? सर चेक का फॉर्मूला है सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस बराबर किसके होना चाहिए, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल बराबर होना चाहिए सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल। तो पहले हम निकालेंगे सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, तो सिग्मा बी एस कैसे बना, सारे बी एस को जोड़ दो वो होता है सिग्मा बी एस, कितना आया 2.79। सिग्मा एफ एस कैसे बना, जितने एफ एस है सारे जोड़ दो वो बना 3.43, जब 2.79 में से 3.43 माइनस करोगे कितना आंसर आता है माइनस 0.64। ठीक है सर। ऐसे ही लास्ट आरएल कितना आया 86.485, फर्स्ट आरएल कितना है 87.125, लास्ट में से फर्स्ट माइनस कर लो कितना आंसर आता है, इतना ही आता है 0.64। और ऐसे ही जितने राइज है सारे राइज जोड़ लो, ये दोनों राइज को जोड़ लिया कितना आया 0.13। ऐसे ही जितने फॉल हैं सारे फॉल जोड़ लो कितने आया 0.77, इन दोनों को माइनस करो सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, इसका आंसर कितना आता है, ये भी इतना ही आता है माइनस 0.64। अगर ये तीनों आंसर बराबर आते हैं, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल बराबर सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, अगर ये तीनों बराबर आ गए तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है। क्लियर है सर, सभी का इक्वल आना चाहिए सर, सबका बराबर आना चाहिए।